दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे प्राणी के बारे में जिसकी सुंदरता को देखकर हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे अर्माडिलो के बारे में। तो इस प्राणी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से एनिमल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्माडिलो, जिसका पूरा शरीर हार्ड शेल से ढका हुआ है, और अर्माडिलो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका में ही पाया जाता है, जहां पर अर्माडिलो की टोटल 20 से भी ज्यादा प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। और ऐसे बताया जाता है कि अर्माडिलो की देखने की शक्ति बहुत ही कमजोर है, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत ही अच्छी है, जो उसे शिकार करने में मदद करती है। और अर्माडिलो एक सर्वाहारी प्राणी है जो ज्यादातर इंसेक्ट्स, एग्स, कैरियन, रूट्स, फ्रूट्स, एंट्स और टर्माइट्स को कंज्यूम करते हैं। और जंगलों में अर्माडिलो का शिकार ज्यादातर बैर, वुल्फ और कोयोटे करते हैं। और इसे बताया जाता है कि पिछले कुछ सालों से अर्माडिलो की संख्या भारी मात्रा में कम होती जा रही है, और इसका मुख्य कारण इंसानों के वनों की कटाई और इसका शिकार करना। अर्माडिलो एक सॉलिटरी एनिमल है, मतलब वह प्राणी जो अपना जीवन ज्यादातर अकेले बिताना पसंद करता है। और मैटिंग के समय अर्माडिलो ग्रुप में आ जाते हैं। और अर्माडिलो का रिप्रोडक्शन बहुत ही यूनिक माना जाता है। अर्माडिलो मैटिंग जुलाई के महीने में करते हैं, लेकिन फीमेल अर्माडिलो नवंबर के महीने में प्रेग्नेंट होती है, और इसे डिलेड इम्प्लांटेशन कहते हैं। और फीमेल चाहे तो अपने प्रेगनेंसी को पोस्टपोन भी कर सकती है। और फीमेल अर्माडिलो जो एक समय पर तकरीबन एक अंडा देती है, लेकिन उन एक अंडों में से चार से भी ज्यादा सेम दिखने वाले बेबी अर्माडिलो पाए जाते हैं, जिसे क्वाड्रोप्लेट कहते हैं। और बेबी अर्माडिलो सॉफ्ट स्किन के साथ पैदा होते हैं, और उन्हें हार्ड शेल पाने में थोड़ा समय लगता है। अर्माडिलो का पूरा शरीर बॉनी प्लेट से ढका हुआ है, और थ्री बैंडेड अर्माडिलो अर्माडिलो की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो खतरे के समय अपने शरीर को बॉल के आकार में ढाल लेती है। और इसके अलावा दूसरे अर्माडिलो अपने बचाव के लिए या तो भाग जाते हैं या तो अपने शार्प क्लाउस के द्वारा जमीन के अंदर होल बना लेते हैं। और अर्माडिलो अपने शार्प क्लाउस के द्वारा जमीन के अंदर तकरीबन 15 फीट गहरा सुरंग बना सकते हैं। और अर्माडिलो पूरे दिन में तकरीबन 18 घंटे सोते हैं। अर्माडिलो तैरने में बहुत ही अच्छे हैं, जो पानी के अंदर तकरीबन 6 मिनट तक रह सकते हैं। और नाइन बैंडेड अर्माडिलो जो टेक्सास का ऑफिशियल एनिमल माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अर्माडिलो की साइज और वेट निर्भर करता है उनके प्रजाति के ऊपर, लेकिन ज्यादातर अर्माडिलो की लंबाई तकरीबन 60 इंच की होती है, और वेट तकरीबन 50 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। और जंगलों में अर्माडिलो तकरीबन 7 साल तक जी सकते हैं, लेकिन अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो वे 15 साल से भी अधिक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।